अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिना हमीद और आज फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती है। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए ये सब चीज़ें हमें चाहिए। इसमें 1 किलो मैंने आम ले लिए हैं, इसकी मैं प्यूरी बना लूँगी, 2 मैंने क्रीम्स के डब्बे ले लिए हैं, 1/2 कप मैंने चीनी ली थी और उसका मैंने पाउडर बना लिया है, और ये 1 जेली ली है मैंने, मैंगो जेली ली है। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन मैंगो डिलाइट है तो इसमें मैंगो ही डालनी चाहिए। तो ब्लेंडर में मैंगो की मैं प्यूरी बना लेती हूँ और मैरी बिस्किट जो है वो मैं क्रश कर लेती हूँ, और उसके बाद ये जेली जो है इसको भी मैं तैयार कर लेती हूँ, और ये जो क्रीम है इसको बाउल में निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने मैंगो जेली जो है वो बना ली है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया था जेली बनाने के लिए, जब पानी में उबाल आया तो उसमें मैंने जेली डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको 2 प्लेट्स में मैंने बड़ी प्लेट्स में डाल दिया है ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स को जो है वो क्रश कर लिया है और मैंगो की जो प्यूरी है वो निकाल ली। जब मैंने मैंगो की प्यूरी बनाने के लिए मैंगो को ब्लेंडर में डाला था तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मिक्स कर ली थी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी डालें, और अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते तो आप चीनी जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम जो है वो बाउल में डाल ली है। अब इस क्रीम को जो है नॉर्मल क्रीम है ये, तो अब मैं इस क्रीम को बीट कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड विस्क के साथ भी इसको बीट कर सकते हैं। अब ये मैंने चीनी का जो पाउडर बना के रखा हुआ था ये 1/2 मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि मैंने मैंगो में भी डाली है चीनी तो इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालूंगी, क्रीम भी मीठी होती है। तो 1/2 कप मैंने चीनी का पाउडर तो बनाया था लेकिन मैंने 1/2 इसमें डालनी थी। प्यूरी मैंने साबुत चीनी डाल दी है तो इसलिए वो मेरी 1/2 जो है वो बच गई है। ठीक है, तो आप अगर आप फुल डालना चाहते हैं 1 कप तो आप फुल 1 कप भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप पूरा डाल दें चीनी का। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को जो है वो अच्छे से बीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ मैंगो जो है उनके चंक्स काट लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं चंक्स तो आप डाल लें, अगर नहीं तो फिर कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये मैं गार्निशिंग के लिए मैंने काटे हैं, और यहाँ पे मैंने बिस्किट्स को भी क्रश कर लिया है। मैंगो प्यूरी भी हमारी तैयार है और जेली जो है वो भी हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम सर्विंग डिश में मैंगो डिलाइट जो है वो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले हम डिश में ये जो क्रश्ड बिस्किट है ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको अच्छे से फैला देंगे, इस तरह से ऐसे प्रेस कर करके इनको फैला देंगे। इसके बाद इसके ऊपर ये थोड़ी मैंगो प्यूरी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 1/2 मैंने डाल दिया, इसको भी इस तरह से फैला लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी ऐसे फैला देंगे हम। ये बहुत ही मज़े की डिलाइट बनती है, तो आप ईद पे बनाएं, गेस्ट के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं और एंजॉय करें इसको, और बहुत जल्दी बन जाती है ये, इस पर बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए मैंने क्रीम को अच्छे से फैला लिया है। अब इसके ऊपर मैं ये जो जेली हमने जमा के रखी हुई थी ये डाल दूंगी, इसको काट लूंगी इस तरह से, इस तरह से इसको काट लूंगी। ये देखें काट के, तो इस तरह से 2 प्लेट्स में मैंने जमाई थी तो ये पूरी फुल जो है 1 प्लेट वाली मैं इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरह से। ये देखिए मैंने जो जेली थी वो सारी डाल ली है। अब इसके ऊपर मैं कुछ मैंगो के चंक्स जो हैं वो डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने मैंगो के चंक्स जो हैं वो डाल लिए हैं। अब इसके ऊपर फिर से मैं बिस्किट की एक लेयर लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से
और ये मैंने थोड़े से जो है वो बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए, ऊपर के लिए मैं ऊपर थोड़े से डाल दूंगी। अब इसके बाद फिर से मैंगो की प्यूरी जो है वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको फैला लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंगो की प्यूरी डालने के बाद अब इसके ऊपर फिर से क्रीम डाल दूंगी। तो अब मैंने क्रीम को जो है वो अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर ये मैंगो की थोड़ी सी प्यूरी मैंने लेके थोड़ी सी प्यूरी मैंने रख ली थी, तो ये इसके ऊपर किसी भी किस्म का आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, किसी भी किस्म का। आप पाइपिंग बैग में भी इसको डाल लें, मेरे पास पाइपिंग बैग है लेकिन अभी इस वक्त मुझे मिल नहीं रहे, तो इसको मैं इसी तरह से बस कोई भी डिज़ाइन दे के डाल देती हूँ ऊपर। तो यहाँ पे मैंने मैंगो प्यूरी जो है वो डाल ली है इसके ऊपर। तो अब भी किसी भी टूथपिक से आप जो है ना इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इस तरह से, आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी प्यूरी बच गई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई डिज़ाइन बना लेती हूँ ताकि ये मैंगो प्यूरी जो है वो भी ज़ाया ना हो। ठीक है, इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एंड में अब मैं साइड पे जो है फिर से ये बिस्किट जो है गार्निशिंग के लिए इस तरह से डाल दूंगी। बिस्किट क्रश हुए हुए जो बिस्किट थे ये डाल दूंगी इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्किट जो है वो मैंने डाल ली है। तो अब ये जो एक और प्लेट में जेली पड़ी हुई थी इसको भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। निकाल लूंगी इसको। तो ये देखिए बहुत ही मजे की हमारी मैंगो डिलाइट जो है वो तैयार है। तो आप इसको अब 2 से 3 घंटे कम से कम फ्रिज में रखें और फिर उसके बाद इसको सर्व करें, या ओवरनाइट के लिए अगर आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये थी मेरी आज की मैंगो डिलाइट की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।